एक स्लाइड में आपको ये सारा का सारा चैप्टर खत्म करा दूंगा, और इसके जो क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू पिछले सालों में आए हैं उसको भी आपको ग्रिप करा दूंगा, आपके हाथ में होंगे वो क्वेश्चन, और आप एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको फोड़ के आओगे इस चैप्टर का माइंड मैप क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, जनरल कोई ट्राइंगल है, तो उसकी जो साइड से वो ए बी सी अगर दे रखी है और उसकी जो बेस से जो हाइट है वो एच दे रखा है, तो हमें पता है जनरल फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है, जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एक बट्टे दो इंटू आधार गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे कि आधार गुना ऊंचाई करते जाएंगे बेस और हाइट को मल्टीप्लाई, अगर मान लो बेस अगर हमें पता भी है तो हाइट थोड़ी ना पता होती है हमें, हाइट जो जब दे रखा होता है तभी निकाला जाता है। बट सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ साइड्स दे रखी हो तीनों की तीनों, या फिर कोई सी भी साइड्स दे रखी हो और पेरीमीटर दे रखा हो, तब उसका सूत्र जो है हीरोन का सूत्र काम आता है, और यहाँ पे हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है। तो आपको बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोन का फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये पूरा अंडर रूट में है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एस क्या है, एस बेसिकली सेमी पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर मतलब पता होगा, तभी देखिए पेरीमीटर होता है जब हम यहां से घूम के पूरा वापस यहीं पे आ जाए, तो ए बी सी इन तीनों को प्लस करके तो पेरीमीटर का जो आधा होता है उसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हो गया परिमाप बटे दो, यानी कि परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको दो से भाग कर दोगे तो आप एस ले लोगे, और ये जब एस आ जाएगा तो उसको फॉर्मूले में डाल देना और ए बी सी आपको दे रखा होगा, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है, वो बेसिकली इसके ऊपर इसमें सवाल आया हुआ है सपोर्ट मटेरियल में, मैंने एक सवाल आपको जो सपोर्ट मटेरियल दी जाती है ना उसमें ये सवाल आपको मिलेगा। सवाल क्या है, s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो s आता है, ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से। देन उसके बाद एक और सवाल आया था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, वो ये है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी के सभी साइड्स सेम हो, मान लेते सभी साइड्स जो है वो ए, उसकी नाप क्या है ए, उसकी जो मीजर है वो ए है, यानी ये भी ए है ये भी ए है ये भी ए, सारी ए है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है अंडर रूट तीन बटे चार ए स्क्वायर, अंडर रूट तीन बटे चार ए स्क्वायर। डायरेक्ट आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, एग्जाम में कई बार पूछा गया, यहाँ तक कि इनफैक्ट जो नीट लेवल का एग्जाम होता है वहां पे भी ये सवाल आया हुआ है कि अंडर रूट थ्री बटे फोर ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पी वाई क्यू। 2024 में इसमें सवाल आ रखा है, पहला सवाल है सेमी पेरीमीटर निकालना है हमें ट्राइंगल का जिसका साइड्स दे रखा है 22, 18 और 26। तो इसका आंसर आप पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखना। कर दिया कमेंट, ठीक है, पहले इसका आंसर आपको कमेंट करना है, तब जाकर के आपको इसका आंसर देखना है। तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जब तीनों साइड्स को हम ऐड कर देते हैं और उसका आधा कर देते हैं तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो 22 और 18 कितने में, 22 और 18 40, 40 और 26 कितने में, 66, 66 यानी 66, 66 का हाफ कितना हुआ 33, तो 33 किस ऑप्शन में है, ये रहा, तो ये रहा इसका आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर टू है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है 16 अंडर रूट 3, तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर तो जब निकालोगे ना, जब ए पता होगा, जब ए ही नहीं पता तो पेरीमीटर कहां से निकालोगे। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम अंडर रूट तीन बटे चार, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा अंडर रूट तीन बटे चार ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है बराबर 16 अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कट गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 मल्टीप्लाई फोर, ए कितना आ जाएगा 16 चौके 64 हो गया, ए कितना आ जाएगा 64 का अंडर रूट, यानी ए आ गया 8। ए अगर 8 आ गया तो पेरीमीटर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है यानी कि ए ए ए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है इसका पेरीमीटर क्या होता है 3a, 3a यानी कि 3 मल्टीप्लाई a कितना है 8, तो 8 दिया 24, तो इसका आंसर है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में, ये रहा, तो ये इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला सवाल है जो कि असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, इफ साइड्स आर 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर, तो s जो है 40 है, एक बार देख लेते हैं, 6 और 11 17, 17 और 23 कितने होते हैं, 17 और 23 18, 19 20, 20 और 20 40, ये तो 40 हो गया, बट s तो जो है परिमाप यानी पेरीमीटर का आधा होता है, वो सेमी पेरीमीटर है, तो अगर यहाँ 20 लिखा होता तो ये सही हो जाता, तो इसलिए गलत है, तो असर्शन गलत है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, सही बात है, तो यहाँ पे असर्शन गलत है और रीजन सही है, ठीक है।
पहले ना आप ना सवाल का आंसर मत देखा कीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज किया कीजिए और आंसर अपना कमेंट में टाइप किया कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी जो आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि जब आप कमेंट में आंसर लिख देते हो ना तो वहीं पे आपको वो चीज अच्छी तरह से याद हो जाती है, इसलिए कमेंट में पहले आंसर किया करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल है, पहले तो ये चीज नोट कर लो कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी टू इक्वल साइड्स जो है ना वो 13 सेंटीमीटर की दे रखी है, यानी ये भी 13 और ये भी 13, और जो उसका बेस है वो 24 दे रखा है, ये 24 है। तो हमें उसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला याद है ना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में सारा का सारा है ना। तो पहले एक काम करते हैं, एस निकाल लेते हैं। एस बराबर 13 + 13 + 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 13 13 26 26 और 24 50, तो 50/2 ये हो गया 25, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 25। तो अब हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और ये सारा का सारा अंडर रूट में आएगा। क्या ए बी सी हमें पता है, ए बराबर बी दे रखा है, ए बराबर सी दे रखा है, ए बराबर सी दे रखा है जो कि 13 है, और बी बराबर कितना दे रखा है इन्होंने 24, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो एस की जगह 25 माइनस ए की जगह लिखेंगे 13, एस एस यानी 25 माइनस बी की जगह लिखेंगे 24, एस यानी 25 माइनस सी की जगह लिखेंगे 13, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है। तो 25 में से 13 गए तो 12, मल्टीप्लाई 25 में से 24 गए तो 1, मल्टीप्लाई 25 में से 13 गए तो 12। तो अब इसको पूरे को अंडर रूट में ले लेंगे, यहाँ पे 12 का पेयर बन रहा है तो 12 बाहर आ जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, अंदर अंडर रूट 25 बच जाएगा। ध्यान से देखना, क्या अंडर रूट 25 को, अंडर रूट 25 को हम 5 बोल सकते हैं? हाँ। तो 12 × 5 = 12×60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका एरिया निकला 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सॉल्व कर लेंगे अगर आप तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। आप देखते हैं 2023 का सवाल। तो पहला सवाल है पेरिमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि सबकी साइड ए है, उसका पेरिमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरिमीटर होता है 3a जो कि 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी, 60/3 = 20 सेंटीमीटर की एक साइड हो जाएगी। तो साइड पता चल गई यानी कि हमें ए पता चल गया, तो एरिया पता लगाना है हमें। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या था, √3/4a² यानी कि √3/4 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20 लिख दिया, तो 4×5 = 20 हो गया। ये 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 आ गया, √3 cm² ये इसका आंसर है। तो 100√3 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3 cm होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, √3/4 × 4 cm, 4 का स्क्वायर यानी कि, तो 4 से 4 कट गया तो आंसर आया √4 cm². और ये कह रहे हैं कि √3 cm², तो असर्शन गलत है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4a² होता है, सही है एकदम। तो ये रीजन तो सही है बट असर्शन गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बेसिकली हमें ए और बी दे रखा है, ए दे रखा है 18 और बी दे रखा है 10, बट हमें सी नहीं दे रखा, पर हाँ इन तीनों को प्लस करने पे क्या आता है, यानी कि इसका परिमाप यानी पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या है 42, तो 18 और 10 कितने में, सी पता लगाओ पहले। तो अगर आप सी पता लगा लोगे तो आपको फिर एस, देखे एस पता लगाना तो बहुत आसान है, एस क्या होगा 42 का आधा यानी कि 21 आ गया एस। अगर अब हमें ए और बी तो पता ही है बस सी नहीं पता, तो सी कैसे निकालोगे, 18 और 10 कितने में 28, 42 में से 28 इधर आएगा, 42 में से 28 गए तो कितने बचे, सी बराबर 42 में से 28 गए तो कितने बचे, ये बचा हमारे पास 14। तो 42 में से 28 गए तो 14 बचे, तो सी 14 आ गया और ए 18 है और बी 10 है, तो हमारे पास एस ए बी और सी आ चुका है। क्या चीज है, एस 21 आ चुका है, ए जो है 18 आ चुका है, बी जो है 10 आ चुका है और सी जो है 14 आ चुका है। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसका सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है, नीचे कमेंट करिए इसका आंसर और उस कमेंट पे आपको अपना खुद का लाइक दे देना ताकि मुझे पता चले कि हाँ
आपने कोशिश करी है, मेहनत करते हो आप पढ़ाई में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो साइड्स जो है ट्राइंगल, उसका रेशियो दे रखा है 12:17:25। हम ऐसा करते हैं कि इसको मान लेते हैं, लेट हम लिखेंगे लेट ए बराबर 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x। तो अब ध्यान से देखना, एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी 12, 17 और 25, 12x + 17x + 25x / 2। ये जो है ये सब प्लस करने के बाद क्या आ रखा है, हमें दे रखा है जो कि 540 है बटे 2। 540 का आधा कितना हुआ, 540 का आधा बेसिकली हुआ 270। तो 270 जो है इसका एस निकल गया, एस कितना है 270 निकला। 12 और 17 कितना हुआ, 12, 17, 29, 29 और 25 कितना हुआ, 29 और 25 बेसिकली हुआ 54x, 54x बराबर आया 540, 54x 540 आया, तो x बराबर क्या आएगा 540 डिवाइडेड बाय 54, तो ये आगे कट गया 10 आ गया, यानी x बराबर कितना आया हमारे पास 10। अब जब x 10 आया तो यानी कि a कितना है 12 × 10 यानी 120, b कितना है 17 × 10 यानी 170, सी कितना है 25 × 10 यानी 250। तो अब इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। तो एरिया क्या होगा, एरिया s, s - a, s - b, s - c, ये सभी अंडर रूट के अंदर। फिर उसके बाद s की वैल्यू क्या है 270, और s माइनस ए यानी 270 माइनस ए कितना आया 120 आया, s 270 माइनस b कितना आया 170 आया, s 270 माइनस c कितना आया 250 आया, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, 270 गुना 270 में से 120 गए तो 150, और 270 में से 170 गया तो 100, 270 में से 250 गए तो 20। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे बेसिकली। ऐसा करते हैं, कितने जीरो हैं टोटल गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो है, तो 5 जीरो में से हम इसके जोड़े बाहर ले लेते हैं, 100 को बाहर लेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से ये तो 2 जीरो है, इसमें से सिर्फ एक ही ले लेते हैं, यानी कि देखिए ध्यान से समझना आप इसको, 270 जो है, 270 को मैं लिख सकता हूँ 27 × 10 और यहाँ पे भी इसका गुना 10 × 15, 150 को मैं लिख, देखिए 270 को मैं लिख सकता हूँ 27 × 10, 150 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 15, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 100 रहेगा अभी तो ये, और ये 20 है, अंडर रूट में ले लेंगे इसको हम। फिर उसके बाद अगर ये 10 × 10 100 है और यहाँ पे भी 100 है, तो 100 को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि 2 बार 100 है, जिसका जोड़ा बनता है उसको हम बाहर लेते हैं। तो 100 को मैंने बाहर ले लिया, गुना में 27 और 15 और 20 है यहाँ पे अंदर, तो 27 को अब हम ऐसा करते हैं, 27 के टुकड़े करते हैं, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3×3 = 9 और इसको 9×3 = 27, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × ये तो 27 है, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3×5 और 4 और मतलब 20 को मैं लिख सकता हूँ 2×5 ऐसे लिख सकता हूँ, तो 2×2 = 4, 4×5 = 20 इसीलिए। तो अब जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको बाहर ले लेते हैं, तो 100 × 3 का जोड़ा बना इसलिए 3 को बाहर लिया, 3 का एक और जोड़ा बना इसलिए 3 को एक और बाहर लिया, 5 का एक और जोड़ा बना तो 5 को बाहर लिया, 2 का एक और जोड़ा बना तो 2 को बाहर लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 × 3 = 9, 9×2 = 18, 18×5 = 90 और 90 को 100 से गुना करेंगे तो 9000 हमारा आंसर आया, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है।